बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हया और हमना की कुछ बातें। हया, क्या वाकई हर दुआ कबूल होती है? हमना, जी दुआ की कबूलियत लाजिम है, आज नहीं तो कल ज़रूर कबूल होती है। हया, लेकिन मैं तो इतने सालों से अल्लाह से मांग रही हूँ तो वो क्यों कबूल नहीं करता? क्या मेरा मांगना पसंद नहीं उसे? हमना, नहीं, ये भी हो सकता है ना उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया हो जब ही वो देर कर रहा हो। हया, तो दुआ कब कबूल होती है? हमना हमना देखो हया, अल्लाह हमारा यकीन देखता है कि हमें अपनी मांगी हुई दुआ पर कितना यकीन है। हया, कैसा यकीन? हमना, मैं तो इतने टाइम से मांग रही हूँ, अब तो थक गई हूँ मैं। हमना, उसकी देर को तुमने इनकार कैसे समझ लिया? हया, ये भी तो मुमकिन है ना कि जो तुम मांग रही हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं हो, और ये भी हो सकता है ना कि ये वक्त सही नहीं तुम्हें देने का जो तुम कब से मांग रही हो। हया, तो क्या वाकई मेरी दुआ भी कबूल होगी? हमना हमना हाँ ज़रूर। हया, तुम रब से पूरी यकीन के साथ मांग कर तो देखो, वो तुम्हारी हर दुआ पर कुन न कह दे तो कहना। दुआ इस यकीन के साथ मांगो कि वो रब कभी खाली नहीं लौटाएगा। अरे, वो तो इंतज़ार करता है कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे, तो फिर तुम कैसे सोच लेती हो कि वो तुमने मांगा वो तुम्हें नहीं मिलेगा? कबूलियत का वक्त लाजिम होता है, जो तुमने मांगा वो कबूल होने का भी एक वक्त मुकर्रर है। तो जब अल्लाह ने देने से इनकार नहीं किया तो फिर तुम क्यों थक जाती हो मांगते मांगते? देर की है इनकार तो नहीं? तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।